बिल्कुल परेशान मत हो। वैसे भी तुम देखो ना, हमारे घर भी दावतें शुरू हो जाएंगी और जब सिकंदर का ऑफिस स्टार्ट होगा तब तो नहीं आ सकोगी ना तुम, इसलिए कह रही हूँ आराम से रुक जाओ। चले अम्मी। चलो। मगर नौरीन? आंटी वो तो नहीं आई। क्यों? अंकल की वजह से घबरा गई है थोड़ा आंटी, वो कह रही है आज ना लेकर जाए, दो तीन दिन में आ जाएगी। देख रही है अम्मी, यानी कल रात मोहतरमा घोड़े बेचकर सोती रही और आज वहाँ जाने से इनकार कर दिया और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। बेटा तुमने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि तुम यहाँ रुकोगी? देखो मुन्ने, नौरीन बहुत प्यारी लड़की है, हमें तो अच्छी लगी ही थी, लेकिन मुझे लगता है शायद उसे अपनी मर्जी की बात मनवाने और करने की आदत है। अब जैसे वो कल सो गई, यही बात है ना कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे आराम करना है या मुझे सोना है। नहीं नहीं चलो, देखो मान भी लिया कि वो बहुत थक गई होगी या उसे नींद आ गई होगी, आंख लगी जाती है इंसान की, लेकिन आज तो जाग रही थी ना वो। मतलब उसे तुम्हारी या हमारी कोई परवाह नहीं, सफाचट जवाब दे दिया उसने मुझे, बिल्कुल परेशान होकर रह गई हूं मैं। मुझे आप वो नहीं आई तो नहीं आई, हम क्या कर सकते हैं? हाँ यही तो मैं सोच रही हूं कि अब हम क्या कर सकते हैं। देखो मुन्ने, मेरी देवरानी की रिश्तेदारी में तस्नीम को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यहां तो सीधा सीधा मेरे ससुराल का मसला है। अरे आप परेशान ना हो, मैं कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, वो जो चाहे कर सकती है, आप यही चाहती हैं ना? हाँ नहीं, एक तो ये बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा सारी जिंदगी। देखो मैं बड़ी हूं तुम्हें इसलिए समझा रही हूं, ऐसी लड़कियां ज्यादा नरमी से फायदा उठाती हैं। तुम्हें तुम्हें रोब रखना होगा नौरीन पर, वरना जानते हो ना अपने बड़े भाई की हालत, उसी की तरह मजबूर और अकेले हो जाओगे। मैं कैसे रूप में रखूं? हंटर ले लो एक, सुबह शाम चमड़ी उधेड़ते रहना। क्या मतलब है कैसे रूप में रखते हैं? मुझे क्या पता भजिया, मैं तो आप सबसे छोटा हूं, एक गुड्डो से बड़ा हूं, लेकिन मैं उस पे क्या रूप डालूं? उल्टा वो मुझे रूप में रखती है, इसलिए मुझे तो आदत ही नहीं है। अरे आदत नहीं है तो आदत डालो, एक वक्त आएगा तुम्हें तो लिफ्ट करवाएगी नहीं, बेचारी अम्मी को भी किसी खातिर में नहीं लेकर आएगी। अच्छा मैं क्या करूं? बस उस पर जरा ये डर बिठाओ कि तुम गुस्से के तेज हो और तुम्हारी इजाजत के बगैर वो इस घर में कुछ नहीं कर सकते, समझे तुम? ता नहीं बच्चिया, मैं कोशिश करूंगा। उफ मुन्ने मुन्ने मुन्ने, तुम अब वैसे मुन्ने नहीं रहे हो, कुछ अकल से काम लो, ना खुद चने चबा देगी तुम्हारी ये बीवी तुम्हें, समझ गए तुम? क्या करोगे तुम बताओ मुझे? मैं अब उसकी कोई उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसे डांटूंगा भी। शाबाश, वेरी गुड, डांटना है उसे, और हल्का फुल्का नहीं डांटना, ऐसा डांटना है कि उसे समझ आ जाए वो तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई काम ना कर सके। बस उसे पता चलना चाहिए कि अगर उसे इस घर में रहना है तो तुम्हारी और अम्मी की इजाजत के बगैर वो कोई काम नहीं करेगी, समझ गए तुम? जी भैया exactly, ऐसे ही करूंगा। समझ गए ना? जी। शाबाश, चलो अब सो जाओ। जी। मेरी बातें याद रखना। जी। ये सब क्या है, इतनी महंगाई? आयजा इस महीने हम कोई इजाफी खर्चा नहीं करेंगे।
ठीक है, परेशानी के दिन हैं, क्या कह सकते हैं। अच्छा सुनिए, कहो। आपको पता है नोनी ने क्या हरकत की है? भला ऐसा कभी हुआ है कि कोई अगले ही दिन ससुराल में ठहर जाए बिना बताए? क्या मतलब? वो खुद से रुक? मैं तो समझ रहा हूँ कि अम्मी ने उसे रोका है। अम्मी अगर उसे रोक लेती ना तो ये परेशानी ही नहीं होती। अम्मी तो हमेशा यही कहती है, नोनी छोटी है, नोनी छोटी है। मेरा मतलब है, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, शादीशुदा हो गई है, तो उसे अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या नोनी उनकी इजाजत के बगैर रुक गई है? वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। देखिए, ये सिर्फ नोनी का ससुराल नहीं है, सादिया का भी है। अगर कुछ होगा तो दोनों पर असर होगा। आप अम्मी से कहिए कि प्लीज उसे समझाएं। मैं भाभी हूँ लेकिन नोनी का बुरा नहीं चाहूंगी कभी। ठीक है, तुम कुछ मत कहना, मैं खुद अम्मी से बात कर लूंगा। ऐसा भी होता है क्या बेला? अच्छा सुनिए, ये जो मकान पर कर्जा है उसकी किस्तें कौन देगा? हम देंगे, और कौन देगा? हमारे अलावा और कौन है कुर्बानी का बकरा? तो ठीक है, आप अब्बा से कहिएगा कि अपनी जिंदगी में ही ये मकान आपके नाम लिख दे। क्या? अब्बा कभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर हम किस्तें भी नहीं देंगे। इससे बेहतर होगा कि मैं अपने जेवर बेचकर कोई फ्लैट बुक करवा लूं। हम वो किस्तें दे देंगे। शालम, हमारा बच्चों का साथ है। ठीक कह रही हो तुम। उन्हें हमारी परवाही कब है? अब हर कोई मेरी तरह नहीं होती कि रोब में आ जाए। हाँ ये बात तो है, तुम खुद बड़ी रोबदार हो। अब मुझे ही देखो, कितना डरता हूँ मैं तुमसे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कितना डरते हो, मगर देख लेना, छोटी भावज बहुत तेज है, ना को चने चबा देगी। क्यों, क्या कर दिया उसने? आपने देखा नहीं? अरे उसने पूछने या इजाजत लेने की तो रस्म ही नहीं रखी पहले दिन से। कल भी खुदा हाफिज कहकर चली गई। अरे भाई मिलने नीचे तक नहीं आई वो। हाँ, और एक अम्मी है जो हमसे उम्मीद रखती है कि हर वक्त उनके सामने गुलामों की तरह झुके रहे। देखें, मैंने आज तक अम्मी को कोई शिकायत नहीं होने दी, उनकी हर बात मानी है, मगर अब ये छोटों की गुलामी मुझसे नहीं होगी। अब रात कैसी बात कर रही हो? मैं होने भी नहीं दूंगा। अगर अम्मी इस घर की बड़ी हैं, तो मैं भी इस घर का बड़ा भाई हूँ। तुम बड़ी भाभी हो, मतलब कुछ रोब हमारा भी होना चाहिए। बस मैं अम्मी से दो टोक अल्फाज में बात करूंगा कि देख लें, वरना अपने लाडले के साथ इस घर में रहें, हद होती है किसी बात की। मेरी वाकई गलती है, वो नाराज हो गए। या अल्लाह, मुझसे गलती पे गलती हो रही है। कल अल्लाह जाने क्या होगा, क्या करूं? घबराहट हो रही है। मैंने निगार बच्चे से कहा भी था, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। हाँ, बल्कि जब मेरी गलती है तो माफी भी मुझे मांगनी चाहिए। अल्लाह मियाँ, सिकंदर का गुस्सा भी खत्म हो जाए, मुझे बिल्कुल ना डांटे। अम्मी,
तुम्हें रोब रखना होगा नौरीन पर। यार ऐसे कैसे डांट सकता हूँ मैं उसे? क्या सोचेगी कि कितना बदतमीज इंसान है? अच्छी तरह से जानता है कि अब्बा की तबीयत की वजह से रुकी हूँ, फिर भी डांट रहे। लेकिन थोड़ी सी नाराजगी तो बनती है, लेकिन थोड़ी सी, आई मीन इतना ज्यादा नाराज होना, गुस्सा करना या रूप जमाना, नहीं नहीं ये सब मैं नहीं कर सकता। नहीं बस अब तुम जल्दी से आ जाओ वापस। मैं भी कितना अजीब इंसान हूं, मेरे पास तुम्हारा नंबर तक नहीं है। भला ये भी कोई बात हुई कि एक शौहर के पास अपनी बीवी का मोबाइल नंबर भी नहीं है? वाह वाह वाह। खैर तुम जल्दी से वापस आ जाओ, तुमसे थोड़ी दोस्ती हो जाए, फिर नंबर भी ले लूंगा। नूरी बस अब आ जाओ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूं। आई प्रॉमिस। चलो भी जाओ बेटा, अब कुछ भी हो ख्याल तुम ही को करना है, ठीक है? जी। ख्याल क्या रखना है, तुम्हें वहां अब उनकी मर्जी उनकी इजाजत से ही सब काम करने, यहां आयजा को नहीं देखती हो तुम? जी भैया। अच्छा अम्मी हम जा रहे हैं, मैंने आयजा से फोन करा दिया है कि नोनी वापस आ रही। अच्छा किया, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे, खुश रहो। खुदा हाफिज़। अब ये क्या नए शोशले निगार? मुझे क्या पता भाई, बेगम साहिबाएं के घर में टिकने को तैयार नहीं है और ये लाट साहब जो हैं 10 दिन की छुट्टी लेकर बैठ गए ऑफिस से। इनकी जिम्मेदाराना तबीयत तोड़ की आपने? एक तो शहर में वैसे जॉब नहीं है, अल्लाह अल्लाह करके इनकी जॉब लगी तो ये 10 दिन की ऑफ लेके बैठ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उस कंपनी के सीईओ लग गए ये। अब सुन हो के क्या बैठे हुए हो? नहीं जी भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैं यही सोच रहा हूँ कि आज मुझे ऑफिस जाना चाहिए। ओ भाई सोचो मत, जाओ तैयार हो जाके। जी। और सुनो जी, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, मेरे सामने तैयार हो क्या और ऑफिस जाओ। जी भाई साहब जी। हद होती है लापरवाही की, मतलब जॉब लग गई है तो खुद सोचें तरक्की करूं, पैसे कमाऊं, घर वाला हो गया हूं, ना कि घर में ही बैठे रहे। अच्छा चलो अब बस करो, जा रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक तुम एहसास नहीं दिलाओगे ये जाएगा नहीं। अगर खुद से कोई एहसास होता तो इन हालों में ना होते, साथ के लड़के पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए और ये अभी तक मुन्ना बने घर में ही घूम रहे हैं। अब ये मुन्ना नौरीन के आने से पहले ही निकल जाए वरना तो मुश्किल हो जाएगी। लाड तो देखो 10 दिन का ऑफ, स्विट्जरलैंड में हनीमून का इरादा था जैसे। ठीक ही तो है, वो तो 3-4 दिन वहां रहने के बाद आएगी, मैं घर बैठ के क्या करूंगा। अच्छा आज से ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ और हनीमून की कैंसिलेशन भी करवा देता हूँ, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। हो गई आपकी शादी, आ गई आपकी अम्मी की बहू घर में, और कुछ? उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है मेरी, और मैं सबके सामने उल्लू बन गया। ठीक कहते हैं भाई साहब, बेकार के चोचले हैं, बेकार के। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, आ गई? जी, वो अम्मी ने कहा कि अब्बा की तबीयत ठीक हो गई। हाँ हाँ ठीक किया तुमने, गई। अच्छा अब ऐसा करो अपने कमरे में जाओ और अपने घर को देखो, शाबाश। जी, वो मेरा बैग लाउंज में पड़ा हुआ है। ओहो नौरीन, वो तो तुम्हें खुद ही लेकर आना पड़ेगा क्योंकि सिकंदर ऑफिस चला गया ना, काफी मूड खराब था उसका,
भाई मैंने तो काफी रोका लेकिन रुका ही नहीं। कह रहा था कि बस आज से ऑफिस जाऊंगा मैं, काफी मूड खराब था उसका। हालांकि छुट्टियां थी 7 दिन की, फिर भी कैंसिल करवा ली उसने, पता नहीं क्या हो गया उसे। तो वो यूं ही खुद मुंह उठाकर आ गई। अरे उसके अब्बा की तबीयत ठीक हो गई होगी, भाई छोड़ के चला गया। अल्लाह करे सिकंदर ही उसको छोड़ दे। बस दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे तुम्हें 1000 दफा कह चुकी हूँ छोड़ दो मुन्ने का पीछा। और मैंने भी हमेशा आपको यही बोला है कि मैं सिकंदर को नहीं भूल सकती। पता नहीं तुमने क्या देख लिया ऐसा सिकंदर में जो उसे सिकंदर आजम समझ बैठी। अरे भाई वो मुन्ना है मुन्ना, इस घर में उसकी औकात नौकरों जैसी है। और वो जो अभी आई है वो भी वैसी ही रहेगी, है ना? और नहीं तो क्या। अरे भाई यही तो समझाया है तुम्हें, पर पता नहीं तुम्हारी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए। अरे मुन्ने ने कभी तुम्हें कुछ कहा, कभी कुछ नहीं कहा, पता नहीं किस खुशी में दीवानी हुई चली जा रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अब आप कहाँ जा रही हैं? भाई निगार आ रही है कुछ देर के लिए, पता नहीं नई नवेली भाभी के लाड उठाने का जोश चढ़ा या मैके में टिकने का बहाना मिल गया। और वो गुड्डो, वो तो हिल कर नहीं देती, मेहमानदारी पड़ गई सर पर, जाकर देखूं क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ। अल्लाह मेरी प्यारी बहन कर दो, पता है कसम से मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है इस हालत में। आप बार बार इधर उधर मत जाएं, आपको रेस्ट की जरूरत है। ठीक है लेकिन कमरा सही करते ही तुम बाहर आ जाना, और खबरदार मैंने तुम्हारा मुंह बना देखा, खासकर नौरीन के सामने। आप अभी से उससे डर रही हैं? बढ़िया ही डरती है मेरी जूती, समझी तुम? क्वास कर रही हो, ये तो मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि उसे ये ना लगे उसने तुम्हें नीचा दिखाया या तुमसे कुछ छीन लिया। डर रही है। ये तो उसे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं उससे यहाँ रहने का हक ना छीन लूं। अम्मी क्या हो गया? बड़ी ट्रेन बहू मिली आपको, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ऐसा क्या हो गया? आपने उसे भेजा था ना कमरे में, मैं भी पीछे चली गई कि अकेली क्या कर रही है। तो क्या, मैडम साहिबा खड़ी हुई थी घर के कपड़े पहनकर कि सफाई करेंगी, मुझे कह रही थी झाड़ू ला दो अपना कमरा साफ करूंगी। है भाई उसको मना करो, अभी तो रस्म भी नहीं हुई है, खीर बनवानी है, जाओ जाके मना करो। बस बस रहने दें आप, आपने नहीं कहा उसे कोई काम करने के लिए, अपनी मर्जी से कर रही है वो। मगर निगार उसकी माँ और घर वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचना है, यही सोचेंगे कि उनकी लड़की अपनी मनमानी करती है। भई हम तो मासूम बन जाएंगे, हमने तो खीर पकवाई का सोचा था, लेकिन आप ही की बेटी को अपने कमरे में किसी की मदाखलत गवारा नहीं। हाँ मना तो मैंने भी किया था, पर कहने लगी कि घर साफ ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि काम वाली नहीं आई तो एक दिन रहने दो, पर उसने सुनी नहीं। वैसे बच्ची है कायदे की। अल्लाह का वास्ता अम्मी बस कर दें, जरा सा काम क्या कर दिया उसने आज, आपको कायदे की लगने लगी है वो। यही कुछ करके आपने तस्नीम को भी बेलगाम किया था। वैसे है कहाँ वो? दुल्हन भाभी वहां आई हुई है। लो फिर आ गई, चैन नहीं है उसे भी अपने घर में, हर वक्त तस्नीम पे पड़ी रहती है। और एक उसे देखो, बिल्कुल फिक्र नहीं है दोपहर के खाने की। महीने बाद खीर पकवाई थी ना आपने भी उससे। बेटा वो तो पहली बहू थी ना, तब तो गुड्डो भी थी और मेरे पैरों का भी ये हाल नहीं था। मगर देख लिया ना आपने, एक महीने में ऐसा मुट्ठी में किया उसने अबरार को कि मीठा पकवाने के बाद भी इस घर का माहौल कड़वे का कड़वा ही है। बजिया बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, नौरीन से आज रात ही खीर बनवा लें। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल ही बौला गई हो, सबका खाना करना पड़ेगा, उनके घर वालों को बुलाना पड़ेगा, इसे कैसे? बस बस रहने दें आप, कोई जरूरत नहीं है इतने नखरे उठाने की उसके, सादगी से शादी हुई है ना, खाना वाना कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा हुआ तो एक आधे डिश बनवा के भिजवा देंगे उसके घर। अस्सलामुअलैकुम। अरे तस्नीम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई निगार,
बस अभी आई हूँ। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम आओ तो पूछूं कि भाई क्या पकाऊं खाने में। आज नई दुल्हन का पहला दिन है, हमारे साथ खाना खाएगी तो अच्छा इम्प्रेशन तो पड़ना चाहिए ना उस पर। हाँ हाँ कर लेते हैं कुछ, कोई बात नहीं। लेकिन तुम नहीं बनाओगी खाना, मैं और गुड्डो कर लेंगे। मैं किस बात की नखरे दिखाते हो? क्या गलत कहा तस्नीम ने? घर की जिम्मेदारियां उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है और नखरे उठवाते हो। सही कहा किसी ने, कुछ लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती। आपको अगर मेरी इतनी ही फिक्र है तो ये मकान मेरे नाम कर दे। सोनू बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम तुम